स्लीपिंग होल अगर जब किया जाता है वो किससे परमिशन लिया जाएगा और कितने दिन तक हम उसको रख सकते हैं, ऐसा कुछ शेड्यूल मतलब सर्कुलर में है क्या? बहुत एक्सपीरियंस है, 2005 मतलब बहुत दिन हो गया है, 8 इयर्स।
करके उस पर रिजर्व स्टेशन लिखा जाएगा और उसके 10 मीटर के एरिए में डस्ट रखी जाएगी, एक एक या दो दो MM की, और बाल्टी होगी कुछ। लेकिन हम लोग अभी स्टेज पर आ गए, चार्जिंग का गेट पे आ गए, तो सबसे दूरी का जो वो है सबसे लास्ट वहाँ से चार्जिंग का, और जो फेस पे चार्जिंग होगा वहाँ से 60 मीटर के एरिया में किसी कोई भी एक्टिविटीज नहीं होगी ना किसी को रहना चाहिए। लगा देंगे
साइरन देंगे, एक बार आधा घंटा से पहले एक सिंगल साइरन देंगे, और ब्लास्टिंग करने से जस्ट पहले कितना 10 मिनट पहले 300 साइरन देंगे लंबा लंबा, उसके बाद एक मिनट साइरन देने के बाद ब्लास्टिंग करने के बाद, मान लीजिए हम लोग 40 में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो हम लोग कितने टाइम के बाद जाएंगे इंस्पेक्शन करने के लिए? फिर सर अगर प्लान मतलब ऑर्डिनरी से कर रहे हैं तब तो मतलब 30 मिनट, और ईडी में करते हैं तो टाइम बहुत अच्छा है। आप लोग अपना तैयारी तो ठीक ठाक चल रहा है, उसके बाद इनिशिएशन हुआ, इनिशिएशन होने हम लोग का ब्लास्टिंग का रिपोर्ट है, रिपोर्ट बुक है, उसका रिपोर्ट को भरिए और ड्यूटी छुट्टी हो जाएगा आपका, जो फोलमैन बनेंगे और अपना जो I-13 भरा रहता है लॉगिन करिएगा ना, ऑनलाइन जनरेट होता है ना कैसे ऑफलाइन आपको जनरेट होता है? ऑनलाइन ना, ठीक है ऑनलाइन रिपोर्ट फिर भरा जाएगा भाई, हम लोग इतना एक्सो फील आए थे, इतना कंजेशन हो गया, ठीक है। और क्या आप लोग को पूछो सवाल है तो पूछ सकते हैं, टाइम तो हम लोग का हो गया लगभग। सर एक जो क्रैकिंग पाउडर आता है ना वो क्या है? क्रैकिंग पाउडर, क्रैकिंग पाउडर सब जगह पे यूज नहीं होता है, हम लोग ग्रेनाइट होता है, हां ग्रेनाइट भी इसलिए होता है कि उसका जो एनर्जी है वो थोड़ा स्लो एनर्जी होता है, क्योंकि स्लो हम लोग ये आयरन में या आपका क्रोमाइट में ये सब में नहीं चलेगा, क्रोमाइट में नहीं चलेगा, ग्रेनाइट में ओनली, ग्रेनाइट में ओनली चलेगा, वो हल्का थोड़ा सा बता हम कहना चाहता है कि उसने तोड़ दिया तो फिर ग्रेनाइट ब्लास्ट हो जाएगा, फायदा नहीं रहेगा, टाइप हो जाएगा पूरा हो जाएगा। ठीक है और नेक्स्ट कोई जैसे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जैसे इस क्वेश्चन का नॉनियल का मतलब कितना लेंथ है और कितना ही उनका होता है? सर नॉनियल का कभी हमने यूज नहीं किया था, नॉनियल का आप जानकारी नहीं होना लिखी, मैं नॉनियल का सोलॉजी के लिए नया होगा, नॉनियल जो है ये नॉन इलेक्ट्रिक सब ट्यूब सिस्टम है इसका, उसमें उसका जो लेंथ है आप लोग का 7 मीटर भी आता है, डीटीएच जो आता है डाउन द होल, जो होल का अंदर जाता है जो डाउन होल है डीटीएच डाउन द होल वो 7 मीटर भी आता है, 8 मीटर भी आता है, 10 मीटर भी आता है, 12 मीटर भी आता है, 15 मीटर भी आता है, जो ट्यूब होता है वो उसका पूछ रहे हैं सर, वो तो हम लोग में आता है 15 मीटर 16 मीटर का भी आता है, लेकिन जो उसका जो ईडी लिटियन जो होता है ट्रंक लाइन डिले, हाँ जी जी ट्रंक लाइन जो है 5 मीटर का आता है, 3 मीटर का आता है और 5 मीटर का आता है, जो जितने अल्मोनियम कॉपर लगा हुआ रहता है सर वो पूछ रहे हैं ईडी का, इलेक्ट्रिक टोकन जो 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 विस्फोट होता है सर, वो ईडी का बात कर रहे हैं वो जी, ईडी का पूछ रहे हैं उसका कितना मतलब कि एमएम का होता है सर, वो एमएम और उसका 4 एमएम सर, और उसका लेंथ सर? लेंथ उसको आता है कितना 6.5 आता है, 6 आता है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा सर, मैं किसका बताते हैं नॉनल जो है नॉनल में आपका डीटीएच नीचे जो रहता है होल का डीटीएच जो रहता है डाउन द होल वो आता है 250 आता है, 175 आता है, 300 तक भी आता है, वहीं से कितना यूज होता है डिटेल्स? हम लोग में डिटेल्स हो जाता है सर, कम से कम 80-85 क्रम से आता है सर, 80-85 क्रम से आता है जी, बहुत कम हो गया, देखिए काम थोड़ा जाएगा है ना, और हम लोग का 2000 kg का मतलब परमिशन है सर बारूद का, ठीक है उसको कोई मतलब नहीं उसका, देखिए सोनल जी नाम बता रहा है हमारा, मैं इसमें डाउन होल जो डीटीएच जो है 250 का यूज हो रहा है, और टीएलडी जो है हम लोग 17 यूज करते हैं, 17 mm और 25 एमएम, ठीक है इसका ये फायदा है सर, हमका माइक और ट्रंक लाइन सर 4 मीटर का होता है, 17 इंच का,
कैसे ही आता है, और उसमें हम लोग जानेंगे थोड़ा नॉर्मल ब्लास्टिंग का क्या फायदा है। नॉर्मल कॉर्टेक्स ब्लास्टिंग हो और हम लोग नॉर्मल ब्लास्टिंग क्या फायदा है, नॉर्मल ब्लास्टिंग हम लोग करने से इसका इनिशिएशन जो है हम लोग चार फायदा होगा उसमें। पहला पॉइंट रिड्यूस डो परमिशन, इससे रिड्यूस डो परमिशन करने से ओरिंग करने का अच्छा रहेगा। मोहित जी आप सुन रहे हैं क्या? नॉनल ब्लास्टिंग जो है, ये नॉनल ब्लास्टिंग मेन काम इसका है कि पीट बॉटम इनिशिएशन, इसका जो इनिशिएशन होगा बॉटम में इनिशिएशन होगा। हम लोग जब फॉरेक्स देते हैं तो जहां पर एक्सक्लूसिव टॉस हो जाता है वहीं पर से ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने से क्या होगा, मान लीजिए हम लोग 10 मीटर होल में 5 मीटर चार्जिंग किए हैं, 6 मीटर चार्जिंग किए हैं, जो फॉरेक्स दे दिए फॉरेक्स में मान लीजिए 6 मीटर में टॉस कर गया, वहीं से ब्लास्टिंग चालू हो जाएगा। आज का धर्म क्या है कि वहीं से ऊपर जाएगा वो, उसके एनर्जी नीचे तक नहीं जा पाएगा, इसलिए हम लोग टो परमिशन हो जाता है। और इसको करने से क्या होगा, पीट वॉटर इनिशिएशन होता है, रिड्यूस टो परमिशन, और नेक्स्ट हो गया रिड्यूस वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कम होगा ना, एक होल के बाद एक होल फूटेगा, जो हम लोग डिले लगता है ना होल्डिंग में, जो डिले रहता है एक होल के बाद एक होल फूटेगा, हम लोग को रिड्यूस वाइब्रेशन भी कम हो जाएगा और रिड्यूस नॉइज। जब एक एक ब्लास्ट होगा तो नॉइज भी कम हो जाएगा, नॉइज भी कम होगा, रिड्यूस कम हो गया आपका वाइब्रेशन कम हुआ ना, नॉइज ये आपका क्या हो गया, नॉइज कम हुआ और टो परमिशन कम हुआ, ये तो हम लोग चाहते हैं ब्लास्टिंग को। ये हो गया हम लोग का फायदा, नॉनल ब्लास्टिंग का ये फायदा चार पॉइंट देगा। नॉनल ब्लास्टिंग क्या क्या फायदा है, पहला पॉइंट पीट वॉटर इनिशिएशन, उसके बाद ये तीन पॉइंट बोल दीजिए ये चैप्टर फोर। नॉनल ब्लास्टिंग का ही सिचुएशन है, नॉनल ब्लास्टिंग को थोड़ा सा बढ़िया से आप वीडियो से देख लीजिएगा, नॉनल ब्लास्टिंग लोग करके क्लियर करे हैं उसको देखिए और समझ आएंगे। और नॉनल ब्लास्टिंग क्या, और नॉनल ब्लास्टिंग कलेक्शन वन लाइन कलेक्शन है कि राइट एंगल से जाएगा, हम लोग जैसे राजगी सर ब्लास्टिंग के ऊपर कुछ अगर जानना है अभी सर सब पूछ लो, जो भी क्वेश्चन सबका मन में ब्लास्टिंग रिलेटेड में, ठीक है उसमें पूछ सकते हैं कि मैगजीन जो होता है मैगजीन किस टाइप का होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, उस मैगजीन कितने टाइप का होता है, वहाँ पे कितने कौन सा टाइप का वेंटिलेशन रहता है। कम करने के लिए हम लोग एक नॉर्मल ब्लास्टिंग अभी लेटेस्ट जो आया है, और हम लोग उधर जब ब्लास्टिंग करेंगे चार्जिंग कम करेंगे, डेट चार्जिंग करेंगे और आजकल जो नॉर्मल ब्लास्टिंग है उससे बेहतर ब्लास्टिंग अभी नहीं है। और हाँ प्लाज्मा ब्लास्टिंग अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया है, लेकिन हम लोग माइंड से यूज नहीं किया है, उसका भी नाम सुना था लेकिन कभी उस पर जानकारी यूज नहीं हुआ है, और यूज नहीं हुआ है। आप नॉर्मल ब्लास्टिंग कीजिए, और जो 45 मीटर उनका डेंजर जोन रहता है, हम लोग का वाइब्रेशन जो है बहुत कम है, हम लोग करके देखे हैं उसका जो वाइब्रेशन है ना पीपीवी, तो ये पीपीवी जो है आपको कमर्शियल रहेगा, मान लीजिए ओनर का है तो आप उनको 15 तक ले सकते हैं, और मान लीजिए आप इसमें प्राइवेट का है तब 10 तक ले सकते हैं। अभी हम लोग को 9:10 बज गया है ना, इसके ऊपर फिर मान लिया हम लोग कोई चांस मिले तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा और एक फिर एक आदमी सर मिलना है, टाइम को भी दिया है, मेरे को जाना होगा, थैंक यू वेरी धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने काफी सारा टाइम देने के लिए जितना आपका पास एक्सपीरियंस था ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के ऊपर आपने शेयर किया। और एक दिन देखिए आज आप जो क्लास आज हुआ, एक्चुअली मैं जो आज मुझे बोले कि क्लास लेना है, आज मेरा और भी जैसे काम चल रहा था फिर मैं भूल गया था कि आज क्लास है, फिर सब काम की याद दिलाए कि क्लास है सर। और एक दिन सर आपसे क्लास लेंगे, क्योंकि जो जो कैलकुलेशन बोले हैं ना, जो एक्सक्लूसिव का मान लीजिए 65 होल है उसमें कितना एक्सक्लूसिव, मतलब ये टोटल सारे डिटेल्स
एक दिन आपसे फिर वो वाला क्लास लेंगे। और चार्ज फैक्टर हो गया, पाउडर फैक्टर हो गया, ये सारे का डिटेल आपसे बेहतर और कोई मतलब जिसके एक्सपीरियंस में सोचता हूँ कि आप ही कर। चार्जिंग फैक्टर, पाउडर फैक्टर, कपलिंग फैक्टर, ये सब फैक्टर में लोग जानकारी। ओके, और एक दिन सर रहेगा। अभी सर हम लोग एक्चुअली एक्ट कंप्लीट हो चुका है, रूल भी अभी कंटिन्यू मतलब और दो दिन का भीतर रूल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रेगुलेशन चल गया, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग रूल जो कि सर उनका एग्जाम में आने वाला है वो सब मैं एमसीक्यू सर तैयार करवा रहा हूँ। और जो जो सर बीच बीच में रहेगा आपसे एक एक बार बीच बीच में क्लास लेते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम लोग सर इंटरेक्शन करेंगे। ओके सर, आशा करते हैं कम से कम सोनलाल जी बहुत बढ़िया हो रहे हैं और सोनलाल के प्रति थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी अभी एक बार दिए हैं, एक बार निकल जाना चाहिए, वो बढ़िया निकल गए। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सुशील जी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, सुशील जी आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि कितना है आपका पीएचडी डीपीएस, कितना एमएम है आपका एमएस का, वो थोड़ा देखिए। और एमएस वो तो सर 17 और 42 और 25 का है सर, टीएलडी नहीं, वो तो टीएलडी आप बोलिए, लेकिन डीपीएस में मोहित जी भी मेरे को लग रहा है बढ़िया प्रिपरेशन हो रहा है, क्योंकि उनके पास सब किताब है, पढ़ते रहिए, किताब को पढ़िए, और कभी कभी गणेश बाबू से डिस्कशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके सर, ठीक है, सबको बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम दीजिए बढ़िया से, और लास्टिंग का कोई